हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आपने जैसे कि थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ तक व्हाट्सएप और यूट्यूब भी बैन होने जा रहा है। इसके रिलेटेड मैं सारे के सारे फैक्ट्स बताऊंगा इस वीडियो में, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते ही, कल से बंद हो जा रहे हैं, और इनके ये आखिर क्यों बैन हो रहे हैं, इनके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बात एक जानिए, ये जो एक्ट है, इस किस एक्ट के तहत ये बैन होने जा रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 79 के तहत ये बैन होने जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये बैन होने जा रहा है तो सेक्शन 79 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत ये बैन होने जा रहा है। और इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है, यहाँ तक भी किसी ने भी फॉलो नहीं किए। एक जो ट्विटर के कॉम्पैक्ट में चल रही कू एप्लीकेशन है, इसने खाली एक ही एप्लीकेशन ने सारे के सारे टर्म्स मान लिए है। और आपको बताने जा रहे हैं कि जो टर्म एंड कंडीशन थे उनके बारे में हम बताएंगे, पर यह टर्म एंड कंडीशन इनको दिए गए थे 25 फरवरी को, ठीक है, 25 फरवरी 2021 को। यहाँ तक भी अभी 26 तारीख को, मतलब 25 आज की डेट में इसे 3 महीने हो चुके हैं और आज आखिरी डेट थी। तो इस कंडीशन में आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें क्या बताया गया था। इसमें बताया गया था कि आपको 3 ऑफिसर कंडक्ट करने हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, यहाँ से आपको पढ़ के समझ लेना है। और आपको एक फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस इंडिया में अपना उनका मतलब स्थापन करना है। अगर कुछ कोई भी मतलब पर्सन वल्गर कंटेंट डाल देता है तो उनके तहत उसको अगर कुछ इंक्वायरी करनी हो तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर नहीं सकते। आप चाहे तो आप इंस्टाग्राम ले लो, अगर कॉन्टैक्ट कर नहीं सकते, आपको ईमेल के साथ आपको कांटेक्ट करना है, पर लेकिन फिजिकली कांटेक्ट आप कर नहीं सकते। तो फिजिकल कांटेक्ट करने के लिए यह गवर्नमेंट ये प्रोविज़न लाई है। और कुछ लोग इसे इनकार भी कर रहे हैं क्योंकि इस प्रोविज़न के खिलाफ भी है। आखिर क्यों है, जैसे कि आप जानते ही, व्हाट्सएप में एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है। अगर ये एक्ट को मंजूरी मिल जाती है, एक्ट को मंजूरी मिल गई, पर अगर इन्होंने टर्म एंड कंडीशन को मान ली, तो व्हाट्सएप के तहत जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती है, जिसे व्हाट्सएप खुद भी मैसेज नहीं पढ़ता है, तो उस सब कुछ डाटा कलेक्ट करके आपको गवर्नमेंट जब चाहेगी वह देख सकती है। इसका जो प्राइवेसी को खतरा है, इस वजह से इसको अभी तक इम्प्लीमेंट किया नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये सारे के सारे झमेला इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर देख लेगा, आपको खाली उसको यूज़ करते रहना है। बैन वगैरह कुछ नहीं होगा, ये काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म है। आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब वीडियोस को देखना है। सो आपको याद रखना है कि किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।